पत्रकारिता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है तो हमें बताइए, हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी, उत्तर प्रदेश के सायाप से बड़ी खबर आ रही है, जहां दो व्यक्तियों को अलग अलग स्थानों पर लूट लिया गया। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जब अपनी बहन के घर जा रहा था, तभी रास्ते में बाइक सवार दो बदमाशों ने उसे रोककर राड से हमला कर दिया और 2.5 लाख रुपए छीन लिए। वहीं लखीमपुर जनपद के एक व्यापारी को लोगों ने सड़क किनारे शाहजहांपुर के रोडवेज बस स्टैंड पास बेहोश देखा। परिजनों का कहना है कि उसके जेब से 2.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बहन के घर जा रहे ग्रामीण को बाइक सवार दो बदमाशों ने राड से हमला कर लुहलुहान कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने उससे 2.5 लाख रुपए की नकदी भी लूट ली। निगोही थाना क्षेत्र के गांव ढकिया तिवारी निवासी दिवाकर उर्फ सोनू मिश्रा शनिवार सुबह 7 बजे फरीदपुर निवासी बहन के घर जा रहे थे। वो जैसे ही बिछौली गाँव के रेलवे अंडरपास के पास पहुँचे, सफ़ेद बाइक में सवार दो बदमाशों ने सोनू को रोका और लोहे की राड से उन पर हमला कर दिया, जिससे वो लहू लुहान होकर जमीन में गिर गए। वो कुछ समझ पाते इससे पहले एक बदमाश ने उनके सिर पर तमंचा रख दिया और बहन को देने के लिए रखे 2.5 लाख रुपए लूट लिए। दोनों बदमाश जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। बाद में उन्हें राहगीरों की मदद से निगोही थाने पहुँचाया गया। उन्हें उपचार के लिए निगोही CHC ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों हालत गंभीर होने पर जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। भैया क्या नाम है आपका? दिवाकर मिश्रा। दिवाकर जी, आपके साथ क्या घटना हुई, पूरी बात बताइए। मैं घर से बाइक से चला, मेरे पास रुपए थे, मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा था, तो रास्ते में दो लुटेरे मिले। पहले उन्होंने मुझे क्रॉस किया, वो सामने से आ रहे थे, वो चलेगा सामने उधर पीछे के लिए, मेरे मैं सीधे चला गया आगे, तभी वो फिर पीछे से मेरे पास बैग होके आए। जब वो लौट के आए तो उन्होंने मेरे से कहा कुछ नहीं, सीधे उन्होंने मेरे ऊपर राड से प्रहार कर दिया, तभी मैं नीचे गिर गया। फिर उन्होंने 4-5 राडें मेरे सिर पे मारी, मैंने 1-2 राड पकड़ ली, लेकिन सर जो है वो राडें लगातार चलाते रहे। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे क्यों मार रहे हो भाई, आपसे मेरी क्या दुश्मनी है, ठीक है, आप क्यों मुझे मार रहे हो? तो जब मैंने कई बार पूछा, तभी उन्होंने कहा चल पैसे निकाल। तभी मैंने जो था, मैंने कहा पैसे ले लो, लेकिन भाई मार क्यों रहे हो? तभी मैंने जो है उसे पैसे निकाल के दिए थोड़े, और उसने अपने आप खींच लिए जेब से बाकी के, और बस भाग लिए। उसने तमंचा भी निकाला था मुझे मारने के लिए, लेकिन जब उस तमंचा उसने चलाया नहीं, लेकिन जो है वो बस पैसे लेके भाग गया। ये दिवाकर मिश्रा के साथ जब घटना हुई, तो उसके कितनी देर बाद आप वहाँ पर पहुँचे? हम लगभग 15 मिनट बाद पहुँचे। क्या स्थिति थी, क्या हुआ था और क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी जब मिली हमारे पास, जैसे ही फोन आया कि लालू भैया हमारे जिसे लूट लिया और मुझे बहुत मारा, कि आप बछौली की पुलिया पर आ जाओ, तो मैंने फ़ोन किया, वहाँ पर लोग पहुँचे, फिर पीछे से हम भी पहुँच गए वहाँ पर। क्या कारण था, क्यों इनके साथ में मतलब जो है ये हमला हुआ? जी, पैसा अपने घर से अपनी बहन के यहाँ लेने देने जा रहे थे, वहाँ कोई ज़रूरत होगी तो अपनी बहन के घर पैसा देने जा रहे थे। पैसा अगर लूट लिया? जी हाँ, पैसा लूट लिया, 2.5 लाख रुपए लूटा। ये घर से निकले सुबह 6:30 बजे, ये 7:15 बजे की ये घटना है। वहाँ से सूचना हम लोगों के लिए मिली, जब हम लोगों के लिए सूचना मिली तो हम लोग मौका स्थल पर जाकर के जब पहुँचे, तो देखा कि इनकी बहुत ही मतलब स्थिति खराब थी। जब खराब थी जाकर के पूछा पाछा, तो इन लोगों ने इन्होंने बताया कि ये लोग हमारे साथ में ये हादसा करके इस रास्ते से गुजर गए। कई लोग होंगे? दो लोग थे, अपाचे मोटरसाइकिल थी, सफ़ेद कलर की। ये पुलिस को सूचना दी पहले से ही? हाँ, पुलिस को 100 नंबर को सूचना दी, 1 घंटे तक पुलिस वहाँ पे नहीं पहुँची। फिर उसके बाद में मैंने ही SO साहब को फ़ोन किया, SO साहब से बात की, तो SO साहब ने ये कहा कि हमारे लिए अभी अभी सूचना आपके द्वारा मिली है, मैं अभी घटनास्थल पर आ रहा हूँ।
मैं इनको लेकर के थाने पहुंच गए। एसओ साहब ने आकर के मौके का निरीक्षण किया है। एसओ साहब वहां भी पहुंचे हैं, अस्पताल थाना निगोही अस्पताल में पहुंचे हैं। शाहजहाँपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र में रोडवेज बस स्टॉप के पास एक व्यापारी को शनिवार सुबह बेहोशी की हालत में पाया गया। पुलिस को लोगों ने सूचना दी और व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर व्यापारी के परिजन पहुंचे और उन्होंने बताया कि व्यापारी का नाम जुगल किशोर वाजपेयी है और वे लखीमपुर जनपद के पलिया कला के निवासी हैं तथा कपड़ा व्यापारी हैं। जुगल किशोर के रिश्तेदार ने बताया कि उनके पास 2.5 लाख रुपए थे जो गायब हैं। समझा जा रहा है कि जुगल किशोर जहर खुरानी गिरोह के शिकार हुए हैं। जो एडमिट हैं और जिनके साथ में आप हैं, ये आपके कौन हैं और क्या नाम है इनका? जुगल किशोर वाजपेयी। क्या घटना हुई, कैसे किस प्रकार से ये यहाँ पे आए? निकले थे 10-11 बजे और आज सुबह जो है 9 बजे जो गवर्नमेंट को सट्टा शाहजहाँपुर बेहोशी की हालत में मिले, उनके पास 2.5 लाख रुपये था वो उनका निकाले और यहाँ पुलिस द्वारा भर्ती कराया गया। आपको किसके द्वारा सूचना मिली कि ये मतलब जो है वहाँ पे पड़े हुए हैं या हॉस्पिटल में? आपको हॉस्पिटल में मिले या वहाँ रोडवेज हॉस्पिटल में मिले? हॉस्पिटल मिले। आपको किसके द्वारा सूचना मिली? एक दीवान जी थी, उन्होंने फ़ोन किया था। हमारी बहन के पास दिल्ली रहती है, उसने हमको बताया। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना सिंबावली पुलिस ने रिटायर्ड प्रशासनिक कर्मचारी से एटीएम बदलकर की गई ठगी का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 साथी सदस्यों को बैट पुल नया बाईपास से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 1,20,000 नकदी व 29 एटीएम कार्ड और घटना में प्रयोग की गई 2 कार बरामद की हैं। गिरफ्तार आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं। इन आरोपियों ने बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़ आदि शहरों में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया है और उन्होंने पंजाब प्रांत के भी कई शहरों में इस प्रकार से ठगी कर लाखों रुपए की चपत लोगों को लगाई है। सिंबावली पुलिस द्वारा जो गिरफ्तारी करी गई है, क्या बरामद हुआ है? देखिए, सियोगढ़ और थाना सिंबावली पुलिस द्वारा एक बहुत ही अच्छा अनावरण किया गया है घटना का। उनकी टीम जो एक सराहनीय कार्य है, एक 13 फरवरी को सिंबावली पुलिस को एक FIR प्राप्त हुई थी, जिसमें एक रिटायर्ड कर्मी द्वारा बताया गया था कि उनका ATM कार्ड बदल करके 2 लाख रुपये लगभग उनके ATM कार्ड से विड्रॉ हो चुके हैं और उनको काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है। इसको लेकर के सिंबावली पुलिस ने FIR पंजीकृत करी थी। FIR पंजीकृत करने के उपरांत तुरंत अपनी सभी टीमों को लगा करके इन्होंने बहुत गहन छानबीन के उपरांत एक मास्टरमाइंड जिसका नाम गुलशन कुमार है, जो पंजाब का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है। साथ ही में एक नितिन नाम का व्यक्ति है जो बुलंदशहर का रहने वाला है, इनको गिरफ्तार किया है। घटना में जो इन्होंने 2 लाख रुपए ठगे थे, उसमें से लगभग 1,20,000 रुपए की बरामदगी कर ली गई है। साथ ही साथ ये लोग जो ये गैंग चलाते हैं, गैंग चलाने के उपरांत इनके पास सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स और ATM कार्ड है, लगभग 30 ATM कार्ड विभिन्न बैंकों के, ये भी इन्होंने बरामद किए। और घटना में प्रयुक्त 2 गाड़ियाँ, एक रेनॉल्ट और एक वैगनार गाड़ी, जिसको ये लोग यूज़ करते थे, इनका गैंग यूज़ करता था, इसको बरामद किया है। गुलशन कुमार ने अपनी विस्तृत पूछताछ आख्या में बताया है कि ये पहले भी पंजाब और UP में इस तरीके के काम कर चुका और पंजाब के लुधियाना शहर से भी ये जेल जा चुका है। ATM कार्ड बदलने के एक संगठित गिरोह ये चलाता है। मेवात के अपने कुछ साथी, उनका भी नाम इन्होंने बताया। और इन्होंने ये भी बताया है कि जनपद हापुड़ के ही रहने वाले कुछ और व्यक्ति हैं जो इस गैंग में शामिल होकर के ये इस तरीके के काम ये लोग करते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि इस पूरे गैंग में आने के पीछे जो ये काम करते हैं ATM बदल के फ्रॉड करने का, उसके पीछे इनकी नशे की लत, ये पंजाब में रहते हैं, वहाँ हीरोइन का नशा ये करते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली आकर के भी कुछ ड्रग्स परचेज करते थे ये लोग और उसको ले जा करके पंजाब में बेचते भी थे पैसे कमाने के लिए, और इसी लत की वजह से इन्होंने इस काम में अपने आप को डाल दिया। इन्होंने साथ में ये भी बताया है कि कुछ अन्य सदस्यों के साथ इनका संपर्क है जो यहाँ पे और भी जगह इस तरीके के गैंग चलाते हैं। बाकी
जब उन्होंने पूछताछ में स्वयं ही ये चीज़ें बताई हैं कि जनता किस तरीके से एटीएम में गलती करती है, जिसका हम फ़ायदा उठा करके लोगों को चकमा देते और उनका एटीएम कार्ड बदल लेते हैं। इन्होंने बताया खासतौर पर कि कैसे लोग जो ये लोग हैं जो बिना गार्ड के जो एटीएम्स होते हैं वहाँ पे उसको टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो आए बाए अगल बगल लोगों से पूछताछ करते हैं कि भाई इसमें से पैसा कैसे निकालें। उन्होंने ये भी बताया कि जब लोग अपना पैसा निकालते हैं तो एटीएम का जब वो पिन डालते हैं तो उसको उंगली से नहीं ढकते हैं, हाथ से नहीं ढकते हैं, और हमारा एक साथी एटीएम में खड़ा होता है जो ये पूरी चीज़